अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। आज लंदन में ही हूँ मैं अभी, तो लंदन की ये वीडियो है। मैं जा रही हूँ ग्रीन स्ट्रीट पप्पो के साथ और मैविश के साथ, अपनी बहन के साथ। तो मुझे लेने थे स्कार्फ, तो मेरे एरिया में तो पता ना एशियन तो है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो इल्फर्ड लेन ग्रीन स्ट्रीट जाते हैं, वहाँ से स्कार्फ ले लेती हैं सुबह सुबह। तो मेरा ख़्याल से अभी तो सारी शॉप्स देखो बंद हैं, मगर इंशाल्लाह मुझे लगता है हमारे पहुंचने तक हमारी स्कार्फ वाली शॉप खुली होगी। तो अच्छा होता है सुबह सुबह शॉपिंग कर लो, नहीं तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है। और आपको बताती चलूँ, ये ग्रीन स्ट्रीट जो है ये लंदन में है, फॉरेस्ट गेट के पास, स्टेशन के पास है। तो ये देखें, ये ग्रीन स्ट्रीट स्टार्ट ही फॉरेस्ट गेट स्टेशन से हो जाती है, तो काफ़ी अच्छी है। खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह काफ़ी हैं, किसने जाना हो शॉपिंग करने के लिए शॉपिंग भी करो और खाओ पियो भी। अच्छी बाज़ार है ग्रीन स्ट्रीट बाज़ार जो है। तो यहाँ पे देखें ये सिल्क के स्कार्फ थे, तो ये ऑफ़र में लगे हुए थे, मगर ये ना टिकते नहीं हैं। तो ये लगे हुए थे 12 पाउंड के 3, ये भी सिल्क में ही थे, क्रिंकल टाइप सिल्क था, 12 पाउंड में 3 थे, कुछ 10 पाउंड में 7 थे, कुछ इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। मेरे इतने प्यारे कलर थे, दिल कर रहा था सारे ही ले लूँ, और काफ़ी ज़्यादा लिए मैंने। तो फिर उसके बाद कहा चलो आ जाओ गोलगप्पे खाते हैं, ग्रीन स्ट्रीट आए और गोलगप्पे ना खाएं, ये कैसे हो सकता है। यहाँ से हमने गोलगप्पे खाए, वो भी बड़े मज़े के थे, छोटी सी ऐसे खोखा टाइप दुकान थी। यहाँ से हम हमेशा खाते हैं, जब मैं लंदन रहती थी तब भी मैं यहाँ से जाके बहुत खाती थी। फिर गर्मी भी थी तो साथ ले लिए कोकोनट फ्रेश, तो उसने उसी टाइम हमें इनको काट के दिया। घर आए तो ये बहन के बेटे ने इतनी प्यारी प्यारी लेगो से चीज़ें बनाई हुई थी, और मैं तो देख के हैरान रह गई। फ़ोन पे सुनती थी कि मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं देखूँगी। तो ये माशाल्लाह देखें, ये कितने क्रिएटिव बच्चे हैं और कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं। अगर तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ना हो, बच्चों के माशाल्लाह दिमाग ऐसे ही चलते हैं, और कितने अच्छे तरीके से चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, अब जब हम घर आए, खाना वगैरह खाया है, तो फिर प्लान किया कि चलो आ जाओ चलते हैं इल्फर्ड लेन। इल्फर्ड लेन अब हम आ गए हैं। इल्फर्ड लेन हमेशा ही इसी तरह रश होता है, ग्रीन स्ट्रीट में भी बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर वो सुबह का टाइम था ना, तो ये सेम डे की वीडियो है। तो अब हम पहले सुबह ग्रीन स्ट्रीट थे, अब हम आ गए इल्फर्ड लेन। आपको तो पता है फिर लंदन आओ कौन घर बैठता है, गाड़ी में अपनी लेके आई हूँ तब मोजे ही मोजे हैं, मगर ये इस टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ गाड़ी चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक शॉप खुली है, ये हाफिज़ जूस कॉर्नर के नाम से, ये काफ़ी पुरानी है। वही बात है अल्लाह मियाँ, बस जब आपके मुकद्दर चमका दे, कहते हैं ना ये वो असाब है। तो एक इधर ये बिरयानी वाली शॉप थी, ये भी ब्रदर इन लॉ बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा ये चलती है, और इसकी आप क्यों देखें, और बहुत ही मुनासिब प्राइस में। स्टूडेंट जो लोग हैं ना यहाँ पे आके बहुत बिरयानी खाते हैं, क्योंकि देखो जो सही बात है, जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश कंट्री से आते हैं, इतना बेचारे काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, फ़ी भी पे करते हैं, तो वो खाने तो कहते हैं ना सस्ता ही हो। तो यहाँ की बिरयानी जो है, एक तो टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप भी ज़रूर जाइए और ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखे ना, ये एक यहाँ पे लोरी कुल्फ़ी खुली हुई है, ये इसका भी काम बहुत ज़्यादा था, और वही बात है बस अल्लाह जिसको दे दे किसके। अब ये जो हाफिज़ जूस वाले जो हैं, ये पहले इनकी शॉप इतनी नहीं चल रही थी, बस ये टिकटॉक पे इतने फेमस हुई हैं, किसी ने इनकी वीडियो लगाई है, और देखते ही देखते माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये क्यू देखें कितनी लंबी क्यू है। अच्छा, इस क्यू में ना कह दिया कि उधर के जाके आइसक्रीम लेनी है, मैंने कहा नहीं ये बहुत नामुमकिन है, रहने दो खाई हुई आइसक्रीम। उन्होंने कहा नहीं तुम तो आई हो दूर से, तो खानी खानी है। तो मैंने कहा जो जहर की तरह वो बच्चा बहुत ज़्यादा लगता था, और जब हम क्यों में लगे ना, वन टू टैक बनने हमारे आगे ऑलमोस्ट
बट 20 मिनट में हमारी बारी आ गई थी, जो हम आइसक्रीम सर्व कर रहे थे वो 4 बजे थे, तो वो जल्दी जल्दी कर रहे थे। फ्लेवर दो ही थे, एक पिस्ताशू था, एक मैंगो था और एक मैंगो पिस्ताशू मिक्स था, ये तीन थे। तो मैंने तो मिक्स रेकमेंड किया ब्रदर इन लॉ ने, ये अच्छी है ये वाली नहीं है, तो मैंने टू वो दी थी बच्चों ने जिसने मैंगो ली, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। वही बात है, फ्रंट जाओ ग्रीन स्ट्रीट जाओ बहुत मज़ा आता है, और यहाँ पे कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। जो लोग यूके में रहते हैं लंदन में, उनको तो बहुत फेमस बाज़ार है ये, तो साउथ हाल पंजाब की वजह से पंजाबियों से जाना जाता है। और ग्रीन स्ट्रीट में जो है ज़्यादा हिंदू है, और जो इल्फर ले लेंगे ज़्यादा मुस्लिम कम्यूनिटी है, तो माशाल्लाह ये सही हो गया। हर कंट्री में डिफरेंट आइसक्रीम, हमें इजाज़त दीजिए नेक्स्ट मिनट की नेक्स्ट लंदन की, वो भी मिलते रहे मेरे साथ वॉच करते रहे। एक बहुत मज़ेदार वीडियो आपको दिखाने लगी लंदन की, इंशाल्लाह।